बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप के लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेड क्रम को डिस्कस किया था डिटेल में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बटन्स की तरफ कि बूटस्ट्रैप में बटन्स किस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, या कुछ भी नहीं करेंगे और बटन अच्छी स्टाइलिंग के साथ बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक फ़ाइल है, इसको मैंने नेम दे दिया बूटस्ट्रैप बटन्स का, और उसी तरीके से बूटस्ट्रैप और जेक्यूरी वो मैंने सीडीएन लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। डिव मैंने यहाँ पे लिया, उस पर एक क्लास अप्लाई किया कंटेनर के नाम से। अच्छा, सिंपल अगर एचटीएमएल में हम पहले जो बटन क्रिएट करते रहे उसके लिए हम क्या करते थे, दो मेथड थे। या तो हम राइट करते थे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, या इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, या हम बटन का टैग यूज़ कर लेते थे तो बटन क्रिएट हो जाता। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बटन का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी राइट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेंड मैसेज, ठीक है। इसको सेव करके ब्राउज़र में रिफ्रेश करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बटन, एक सिंपल एक बटन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एक बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक सिंपल बटन है। अगर बटन का टैग यूज़ करते हैं या इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन यूज़ करते हैं, सबमिट यूज़ करते हैं या रीसेट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास एक सिंपल बटन ये बन जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका मैंने बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, कोई बॉर्डर भी अप्लाई करना है, इसकी विड्थ हाइट को भी मैंने चेंज करना है, पैडिंग भी अप्लाई करनी है, मतलब ये कि अगर हम इसकी स्टाइलिंग करें तो हमें कम अज़ कम 5 से 7 प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई करना पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं सिंपल क्या करता हूं, इस बटन के टैग पे क्लास अप्लाई करता हूं। बूटस्ट्रैप ने क्लास बटन के लिए डिफाइन करके दी है btn के नाम से। आप जो सिंपल एक क्लास इज इक्वल टू btn अप्लाई करें और इसको सेव करके ब्राउजर में अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रही है। जस्ट सिंपल सेंड मैसेज है और जो पहले बटन की बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स वगैरह थी या कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास बूटस्ट्रैप में कुछ कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं जो कि हमने अलर्ट्स में भी डिस्कस की थी और ब्रेड क्रम में भी हमने डिस्कस की थी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, ये वाली क्लासेज हैं। इनमें से कोई एक क्लास फॉर एग्जांपल अगर हम अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बटन प्राइमरी के नाम से अगर मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर देता हूं, यहां पे स्पेस दें और यहां पे btn प्राइमरी एक क्लास है, कॉन्टेक्चुअल क्लास है, उसको अगर अप्लाई करके हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रही है। उनमें से जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया है, बटन प्राइमरी के नाम से क्लास मैंने यूज़ की है जिसने ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या कर दिया है, स्टाइलिंग कर दी। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी आपको नज़र आ रहा है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है, और उसके अलावा जो बटन की पैडिंग है, बॉर्डर है या बॉर्डर रेडियस है, ऑटोमेटिकली सारी स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, जस्ट मैंने सिंपल दो क्लासेस यूज़ की हैं, बटन btn के नाम से और btn प्राइमरी के नाम से, ठीक है, ये क्लास है। अच्छा, उसके बाद कुछ मजीद बूटस्ट्रैप ने क्लासेस डिफाइन करके दी हैं बटन्स के लिए। आप जिस भी किस्म का बटन यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, यूज़ बूटस्ट्रैप्स कस्टम बटन स्टाइल्स फॉर एक्शंस इन फॉर्म्स, डायलॉग्स एंड मोर विद सपोर्ट फॉर मल्टीपल साइजेज, स्टेट्स एंड मोर। वो कह रहा है कि जी आप बूटस्ट्रैप के कस्टम बटन यूज़ कर सकते हैं जो कि डिफरेंट स्टाइलिंग में हैं, आप फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्सेस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है अब वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट स्टाइलिंग के आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने बटन खुद से बना के दे दिए हैं, यानी कि उनकी स्टाइलिंग कर दी है। आपने जस्ट क्या करना है, क्लास का नेम यूज़ करना है और आपको डिफरेंट स्टाइलिंग के बटन नज़र आएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने ये प्राइमरी की क्लास यूज़ की थी और मेरे पास इस किस्म का एक बटन क्रिएट हो गया था। इसी तरीके से आप सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, इस तरीके से आप डिफरेंट क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम लास्ट अलर्ट्स में भी डिस्कस इसको कर चुके हैं,
और ब्रेड क्रम में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो अब इन क्लासेस को वैसे ही आपको याद हो जानी चाहिए सारी की सारी, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर वार्निंग इन्फो लाइट डार्क, ठीक है, ये वाली क्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं। इनका बेसिकली मकसद ये है कि आप बटन किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये कि वार्निंग आप देना चाह रहे हैं यूज़र को, कोई इन्फो के लिए यूज़ कर रहे हैं, या सक्सेस के लिए कोई बटन आप यूज़ कर रहे हैं, या डेंजर के लिए आप कोई मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं वहाँ पर बटन यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट स्टाइलिंग डिफरेंट कलर की आपके सामने बोर्सट्रैम ने डिफाइन करके दी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये वाला आप यहाँ से कोई भी क्लास यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर प्राइमरी की क्लास यूज़ की है, आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यूज़ कर लें सक्सेस के नाम से क्लास यूज़ कर लें, इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास बटन की जो स्टाइलिंग है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की होगी, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही बटन के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ और इसके ऊपर हॉवर का इफेक्ट भी वर्क कर रहा है, मतलब ये है कि ये सिंपल ग्रीन कलर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो वो डार्क हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हॉवर की स्टाइलिंग भी उन्होंने इन क्लासेज में डिफाइन की हुई हैं और हॉवर की स्टाइलिंग भी आपको यहां पे करना नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप कोई भी क्लास यहां पे यूज कर सकते हैं जो कि यहां पे बोर्सट्रैम ने डिफाइन करके दी हैं, जिस भी कलर का जिस भी स्टाइलिंग का आप बटन यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे नीचे अगर देखें नेक्स्ट बटन टैग्स। अच्छा, अभी तक मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि बटन का टैग भी यूज़ किया जा सकता है, इनपुट टाइप भी यूज़ की जा सकती है, और इसके अलावा क्या है वो यहाँ से पढ़ते हैं। द BTN क्लासेज आर डिज़ाइंड टू बी यूज विद द बटन एलिमेंट, ठीक है, ये तो हमें पता है कि जो BTN की क्लास है ये किस लिए डिज़ाइन की गई है, बटन के टैग के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। हाउएवर यू कैन ऑल्सो यूज दीज क्लासेज ऑन ए और इनपुट एलिमेंट। वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपने बटन के टैग के ऊपर ही इन क्लासेस को यूज करना है, आप एंकर टैग पे भी इन क्लासेस को यूज कर सकते हैं, इनपुट टाइप पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा आप बटन क्रिएट करते हैं, किसी ने यूज किया इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वो भी बटन तो बन जाएगा, तो आप वहां पर भी इन क्लासेस को यूज कर सकते हैं जो कि बोर्सट्रैम ने BTN के नाम से डिजाइन करके दी है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है व्हेन यूजिंग बटन क्लासेज ऑन ए एलिमेंट्स दैट आर यूज टू ट्रिगर इन पेज फंक्शनैलिटी लाइक कोलैप्सिंग कंटेंट रेदर देन लिंकिंग टू न्यू पेज और सेक्शन विद इन द करंट पेज दीज लिंक शुड बी गिवन अ रोल इज इक्वल टू बटन। अच्छा, वो कह रहा है कि आप एंकर टैग पे तो यूज करते हैं, उसको आप इस तरीके से यूज कर लें, या उसका मकसद ये होना चाहिए कि आप उसको भी एक बटन के तौर पे है, वो लिंक है, लेकिन आप उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बटन के तौर पे ही यूज करना चाह रहे हैं, ना कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए उस लिंक को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है वहां पे आप उसका रोल भी डिफाइन कर दें कि ये जो लिंक है, ये जो एंकर टैग है, ये बेसिकली बटन है, ठीक है, इसलिए हमने ये वाली क्लासेस इसके ऊपर अप्लाई की हैं। अच्छा, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं कोड डिफरेंट, यहाँ पे हम डिफरेंट लाइन्स को देखते हैं कि उसने बटन की क्लासेज को किस किस टैग पर किस तरीके से यूज किया है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास अगर इस लाइन को आप लोग देखें तो यहां पे एंकर टैग यूज किया गया है। बेसिकली ये फर्स्ट वाला जो आपको लिंक नजर आ रहा है ये बेसिकली एंकर टैग था, उसके ऊपर उसने क्लास अप्लाई की है बटन की, दोनों क्लासेस BTN और BTN प्राइमरी के नाम से, और जैसे लिंक को आप यहां पर नंबर साइन यूज करते हैं, और उसके बाद यहां पर उसने रोल डिफाइन किया है कि ये एक बटन है, लिंक है, लेकिन उसको एज अ बटन यूज यहां पर किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया, बटन का टैग यूज किया है, उसके ऊपर आप ये क्लासेस यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसने तीन दफा इनपुट टाइप यूज किया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। तो वहां पे भी आप इन क्लासेस को यूज कर सकते हैं और ये डिफरेंट आपको यहां पर बटन नजर आ रहे हैं। ये फर्स्ट लिंक एंकर टैग पे बटन की क्लासेज यूज की गई है और ये बटन का टैग यूज किया गया है, और ये तीन जो आपके पास बटन नजर आ रहे हैं ये इनपुट टाइप से क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। सिंपल बताने का मकसद यह है कि आप ये जो बटन और बटन प्राइमरी या सेकेंडरी जो नेक्स्ट कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं इनको आप यूज कर सकते हैं एंकर टैग पे भी, इनपुट टैग पे भी, और बटन के टैग पे भी इनको यूज कर सकते हैं। अगर इसको मैं यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर लेता हूं, ये यहां पर कोड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, मेन मकसद है आपको समझाना कि इन चीजों को यूज किस तरीके से किया जाता है,
ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपको यहां पे बटन नजर आ रहे हैं और डिफरेंट यहां पे टैग्स यूज किए गए हैं। एंकर टैग भी यूज किया गया है, बटन का टैग भी यूज किया गया है और इनपुट इनपुट का जो टैग है वो भी यूज किया गया है और उस पर डिफरेंट हमने बटन की क्लासेज अप्लाई की हैं। तो हमारे पास इस तरीके से खूबसूरत बटन यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप यहां पर क्लास चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं राइट कर देता हूं वार्निंग, ठीक है, इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो आप डिफरेंट स्टाइलिंग के बटन यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। हॉवर पे देखें, इसका जो कलर है वो डार्क हो जाता है, यानी कि हॉवर इफेक्ट भी इसके ऊपर उन्होंने इसकी भी स्टाइलिंग की हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी आउटलाइन बटन्स, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैं इसको यहां पे वाइंड अप करता हूं। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी पॉइंट की समझ अगर ना आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मजीद देखते हैं कि बूटस्ट्रैप ने बटन्स में मजीद कौन कौन सी क्लासेज अप्लाई की हैं हमारी आसानी के लिए। तो दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।